तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिरर एडजस्टमेंट सीखेंगे। कार में आपके पास जो तीन मिरर होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे वाले इस कार में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड RVMs का ऑप्शन है, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको हाथ से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखिए किस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट डोर का जो हैंडल है ना, इसको शीशे का इस कॉर्नर में रहना चाहिए, एकदम कॉर्नर में। अभी दूसरा वाला देखिए, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो फर्स्ट डोर का हैंडल है वो एकदम कॉर्नर में होनी चाहिए, तभी जाके आपको पीछे का जो गाड़ी है जो आने वाला है वो आपको साफ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको ठीक ठाक से एडजस्ट कर लिया मैंने, और पीछे का जो नज़ारा है, जो गाड़ी आने वाला है पीछे से, वो अभी हमको साफ दिखने वाला है। अभी ये सामने वाला मिरर एडजस्ट करने में कोई फॉर्मूला है नहीं, बेसिकली आपको पीछे का गाड़ी देखना है। पीछे एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम लोग साइड वाले मिरर में देखते हैं उसमें उतना डिस्टेंस पता नहीं चलता है, इसमें पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।